स्वागत है आप सभी का फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स के इस वीडियो में और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच जो वर्ल्ड कप 2023 का मैच खेला गया, जहां पर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से एक विकेट से हारा और वर्ल्ड कप 2023 से लगभग या यूं कहे वर्चुअली नॉकआउट हो गया। पर इस मैच में पाकिस्तान की हार से ज्यादा या साउथ अफ्रीका की जीत से ज्यादा दो चीजों की चर्चा थी, वो थी दो बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी। पहली कॉन्ट्रोवर्सी आई साउथ अफ्रीका की बैटिंग के टाइम, जब 19वां ओवर चल रहा था और उसामा मीर जब उन्होंने वो गेंदबाजी कर रहे थे और रासी वेंडर ड्यूसेन जो है वो बल्लेबाजी कर रहे थे, अब वहां पर उसामा मीर बॉल डालते हैं और वो LBW की अपील करते हैं, अंपायर आउट दे देते हैं। रासी वेंडर ड्यूसेन को लगता है कि नहीं यार, बॉल तो मिसिंग स्टंप होनी चाहिए थी, तो वो लेते हैं DRS। अब DRS में थर्ड एम्पायर का सीधा सीधा रोल होता है और वहां पर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, बट क्रिकेट के जो दुनिया है उसमें एक टर्म है अंपायर्स कॉल, जो बड़ी ही विवादित रही है जब से इसका इजाद हुआ है या जब से ये रूल्स में आई है। अंपायर्स कॉल पर जो दुनिया है वो बटी रहती है, कुछ लोग इसको सही बोलते हैं, कुछ लोग इसको गलत बोलते हैं। कल जब मैच हुआ उस पर भी बड़े ही जो है बैंटर चल रहे थे सोशल मीडिया पर, कभी हरभजन सिंह, कभी ग्रैम स्मिथ, कभी हर्षा भोगले, कभी नासिर हुसैन, मतलब हर किसी का अपना अपना ओपिनियन था। अब इस बारे में रासी वेंडर ड्यूसेन भी उस अंपायर्स कॉल की जो गलती है या उस अंपायर्स कॉल के जाल में फंस जाते हैं और वहां पर ICC जो है, जो थर्ड एम्पायर जो है, वो आउट देते हैं रासी वेंडर ड्यूसेन को अंपायर्स कॉल के कारण, क्योंकि उसमें लग रहा था कि इंपैक्ट भी अंपायर्स कॉल है और विकेट्स हिटिंग भी अंपायर्स कॉल है। और अंपायर्स कॉल में ये होता है कि जब अंपायर ने अगर कोई डिसीजन दे दिया तो जब तक थर्ड एम्पायर के पास वो कंक्लूसिव एविडेंट नहीं होता तब तक उसे वो आउट जो है चेंज नहीं कर सकते और अंपायर्स कॉल पर ही लास्ट में बात आ जाती है, स्पेशली LBW के मामले में। अब वहां पर जब रासी वेंडर ड्यूसेन के लिए जब थर्ड एम्पायर के पास रेफर किया गया और जब TV स्क्रीन पर दिखाया गया, तो वहां पर जो सबसे पहले डिस्प्ले आया था वहां पर बॉल मिसिंग स्टंप कर रही थी, फिर तुरंत वो डिस्प्ले हटता है और उसके बाद फिर से एक और डिस्प्ले आता है जहां पर बॉल जो है हिटिंग स्टंप कर रही थी ऑन अंपायर्स कॉल, और उसी के कारण रासी को आउट दे दिया जाता है। अब इसी पर रासी भी जो है गुस्सा होते हैं, उनका भी जो है सहमत नहीं रहते हैं और उसके बाद भी सोशल मीडिया पर लगातार इस बारे में चर्चा होती है। फिर ICC आता है, ICC इस बात पर गलती स्वीकार करता है कि भाई ये ब्रॉडकास्टर्स की गलती थी जो पहले में गलत ग्राफिक दिखा दिए थे, दूसरी बार जो ग्राफिक था वो एकदम सही था, नियमों के हिसाब से था। अब इसी इनिंग में पाकिस्तान की तरफ से, मतलब जब साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहा था, तो वो रिजल्ट भी जो है साउथ अफ्रीका के फेवर में किया, ये वाला रिजल्ट साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट किया। बट एक और जो रिजल्ट था आखिर में, तबरेज शमसी जब आउट हुए वहां पर हारिस रौफ ने गेंद की थी और वो रिजल्ट भी पाकिस्तान के फेवर में नहीं गया, और उसके बाद जब तबरेज शमसी आउट नहीं हुए और मैच जीत गए तो उसके बाद फिर सवाल उठे अंपायर कॉल पे, क्योंकि पाकिस्तानियों ने बवाल खड़ा कर दिया कि भाई खराब अंपायरिंग की वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है। तो जैसा कि अंपायर्स कॉल पर ICC ने अपनी गलती मानी रासी वेंडर ड्यूसेन के हिसाब से, बट अभी भी ये अंपायर्स कॉल की जो चीज़ है इस पर अभी भी विवाद जारी है। अब आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।